आपको मछली पालन या फिश फार्मिंग के बारे में बताने वाले हैं। मेरा ये एक हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर में 12 बीघे में मेरा फिश फार्मिंग शुरू हुआ है जी। सर इसके लिए जमीन कैसे तैयार करते हैं, ये खुदाई करने के बाद चूने डालने का क्या महत्व होता है, उसके बाद सर पानी कितने दिनों में चलाते हैं? गिरा है, कई ऑप्शन है, हेजरिया है, सरसों की खल बंदी हुई है जी। तो खल से क्या होता है, इसमें उनका फीड तैयार हो जाता है। सर फीड में क्या क्या देते हैं आप? जीरा से पूरी मछली बनने में कितना समय लग जाता है? मछली अपने वेट का 7% तक खाती है। फीड ज्यादा खा भी लिया तो आपको इसमें हलचल करनी पड़ेगी। एक B5 करके इनका टोनिक आता है, पानी में शुद्धिकरण भी करता है, प्राकृतिक खाना भी बनाता है, वो लगाते हैं। तो क्या तालाब में भी ऑक्सीजन के लिए कुछ चीजें लगाते हैं आप? बायोफ्लेक्स में ज्यादा बोलते ना, बजट की ज्यादा जरूरत होती है। क्या इसके साथ पोल्ट्री फार्म करने का कोई विशेष फायदा होगा? सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। हेलो दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको मछली पालन या फिश फार्मिंग के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए हम आए हैं विकास प्रधान जी के पास। नमस्कार विकास जी। नमस्कार भाई साहब। सर कितने समय से आप मछली पालन कर रहे हैं? हाँ तो सब नया काम है, लेकिन मैं इसमें टच में और लोगों के टच में था पिछले 1 साल से, लेकिन मेरा अभी फिलहाल ये फार्मिंग का नया विचार बना है और मैंने अभी ज़्यादा नहीं, अभी 3-3.5 महीने मेरे को बनाने के हुए हैं। सर जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है, फिर आपको मछली पालन का विचार कहाँ से आया? सर ऐसा है, गन्ना हमारे यहाँ भी बहुत होता है, काफ़ी होता है गन्ना भी, फिर अभी दिखा भी दूंगा साइड में, गन्ना भी बहुत अच्छा खड़ा है, गन्ना मैं टैंच विधि से बताऊँ। लेकिन विचार ऐसा है सर, हमारे जो कुछ समस्या है, तो लेबर समस्या समझ लीजिए, थोड़ा खर्च ज़्यादा आ रहा है गन्ने में, खर्च भी देखा जाता है, बाद में मील क्या करती है, बाद में पेमेंट देने में बड़ा डिले करती है हमारी। बिल्कुल, हमारी बिलाई मील है वो, बट पेमेंट पर आप भी शायद 2-4 सौ सुनेंगे तो सब पेमेंट की बड़ी समस्या आती है जी। और थोड़ा मेरा विचार भी था कि कोई नई तकनीक या नया कुछ काम किया जाए, तो इस तरीके में सोचा फिश फार्मिंग कर ली जाए। सर अभी आप कितने एकड़ ज़मीन में ये फिश फार्मिंग कर रहे हैं? मेरा ये एक हेक्टेयर है, एक हेक्टेयर में 12 बीघे में मेरा फिश फार्मिंग शुरू हुआ है जी। सर इसके लिए जमीन कैसे तैयार करते हैं, ये बस JCB या किसी चीज़ से खुदवा दिया या कुछ और भी करना होता है? नहीं, इसमें सर ऐसे हम जो जमीन होती है इसका मैंने स्क्रैपर से बनाया हुआ है जी, ट्रैक्टर स्क्रैपर से बना करके इसमें 6.5 फीट की गहराई ले करके अंदर, फिर हमने इसमें क्या हुआ कुछ खाद वगैरह इसमें डाला, चूना वगैरह डाला और उसको पानी भर के कुछ समय के लिए छोड़ दिया, 1-10 दिन के लिए, उसमें फिर हमने बच्चा डाल दिया। फिर सर ये खुदाई करने के बाद चूने डालने का क्या महत्व होता है, चूना क्यों डाल? से फिल्टर साफ जो थोड़ी बहुत इसमें हम पहले गन्ना करते थे उसमें फर्टिलाइजर लगाते ही हैं जी। हो सकता है उसमें कोई फर्टिलाइजर, मिट्टी तो है, मिट्टी में घुला रहा होगा, तो चूना का उसको फिल्टर कर देता है जी। हाँ, उसके बाद गोबर वगैरह भी डालते हैं? गोबर डालते हैं, गोबर ताज़ा नहीं डालते हैं, और जो सड़ा गला गोबर है वो डालते हैं। सड़ा गला? हाँ, जो रुका हुआ 1-20 दिन का कहीं हमने इकट्ठा किया हुआ है वो डाला जाता है। उसके बाद सर पानी कितने दिनों में चलाते हैं इसमें? पानी तो हाथ हाथ चलाते, पानी ला के छोड़ देते हैं बस जी। और पानी इसमें हम तो चलता है, सामने चल रहा है, चलता भी डेली पानी चलाते हैं हम इसमें, डेली पानी चलता है। हाँ, डेली पानी चलाते हैं सर। एक चीज़ जी, एक चीज़ और भी सुनी है कि अगर साफ पानी में मछली डाल दें तो कभी कभी मछलियाँ मर जाती हैं। नहीं देखो, वो कई कारण रह चुके होते हैं मछली मरने के, हमारा साफ पानी है, हमारे तो नहीं मरी है, अब हम जब मरेंगे तब बताएंगे। सर सेटअप देख के आपका एक चीज़ और दिमाग में आ रही है, आपने ये तार का जाल बुना हुआ है ऊपर, ये किस उपयोग में आता है? ये सर ये पंछी आते हैं ना, एक काला बगला आता है, कुछ पंछी आते हैं शुरू प्रसंग, तो पंछी का काफ़ी हद तक इसकी रोकथाम हो जाती है पंछियों से। पंछियों से क्या होता है, पंछी अगर नहीं देखेंगे तो वो बच्चा हमारा बहुत खाते हैं जी, और बच्चा खाएंगे तो नुकसान ही होगा। बिल्कुल। हाँ, तो उस नुकसान से बचने के लिए चारों तरफ ये, और ये महे वगैरह कोई रात को जानवर आते हैं तो इसलिए मैंने ये पन्नी लगवाई हुई है, जिससे कि इसकी आवाज़ से माए वगैरह कोई इसमें जंगली जानवर रात रात को नहीं आते हैं जी। सर मछलियों का लार्वा कहाँ से आता है इसमें? लार्वा जैसे जीरा एक कई ऑप्शन है, ज़्यादा हेजरिया है, एक हेजरी अपने बिजनौर में, 2 हेजरी तो बिजनौर में ही है और बाकी बरेली है, वहाँ से संतुष्ट नहीं हो सकते तो फिर आप कलकत्ता से मंगा सकते हैं। अच्छा, मेन हब जो है कलकत्ता है इसका? मेन हब कलकत्ता है, लेकिन हमारे इधर यूपी में बरेली है, बरेली मिलक है, वहाँ पे हेजरी है, मेन चीज़ वहाँ से आता है। सर जैसे लार्वा आ गया उसके बाद डायरेक्ट पानी में डाल देंगे या कुछ और करना? नहीं, डायरेक्ट पानी में डालना होता है, जो पन्नियों पैकिंग आता है, पन्नी भी यहाँ पड़ी हुई है, एक पन्नी दिखा देंगे बाद में। बिल्कुल सर। तो लागे इसमें छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें पहले इसमें इनका खाना तैयार करते हैं 1-4 दिन पहले से जी। इसमें हम देखेंगे आपको ये डंडा दिख रहा होगा, एक डंडा बोरा, एक डंडा बोरा, तो उसमें क्या सरसों की खल बंधी हुई है जी। वो खल से क्या होता है, इसमें इनका फीड तैयार हो जाता है, ये शुरू के 1-2 महीना खल या चावल का पॉलिश ही लेती है। क्या बच्चे पहले डालने से पहले 4 दिन पहले फीड डालते हैं? हाँ, फीड डालना पड़ जाता है, पानी में घुल जाता है जी। और जब बच्चा आता है वो लंबे समय से आता है, कुछ तो उसको चाहिए होता है, डायरेक्ट पानी तो लेगा नहीं वो, तो उसको जहाँ भी मिलेगा वो उस पर जाके फीड पर उसको चूसने लग जाएगा। सर फीड में क्या क्या देते हैं आप? फीड में हमारा अभी तो खल चल रहा है, इसमें पीली सरसों, काली सरसों की खल हो जाती है, चावलों का पॉलिश हो जाता है, और जैसे ब्रेड का वेस्टेज होता है वो लगा देते हैं जी।
और जैसे अपने दाल वगैरह हो गया, दाल का वेस्टेज हो गया, उसको रख के वो डाल देते हैं। सर जैसे लार्वा, छोटा लार्वा जीरा कहते हैं आप, जीरा से पूरी मछली बनने में कितना समय लग जाता है सर? देखो जीरे से हम बोलते हैं कि जैसे पलटी का बच्चा कहीं जाता है तालाब में, दूसरा में ट्रांसफर करते हैं जी, उसके लिए 5-6 महीने में तैयार हो जाता है। लेकिन 5 महीने का जो उसमें डालेंगे तो वो 5 महीने फिर तैयार हो जाता है जी। जैसे 50-100 ग्राम का बच्चा डालते हैं तो उससे जब नेक्स्ट तालाब में डालेंगे उसको पानी में तो वो 5-6 महीने में तैयार हो जाएगा। मतलब जीरा आप एक तालाब में रखते हैं और जब वो 5-6 महीने तक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिंगर साइज का हो जाता है। अभी भाई साहब ने फोटो बनाया, अभी ये हमारा 4-5 इंच का हो रहा है, तो अभी इसको क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे तालाब में, तो ये और जल्दी ग्रोथ करेगा। अच्छा, थोड़ी एक ही तालाब में रखे तो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ नहीं करता है उसको, क्या है या तो पलटी करें या बार बार जाल लगवाएं, हर 15 दिन में 20 दिन में उसको जाल में लेना पड़ेगा। उसके जितना उसको प्रेशर पड़ेगा या सपोज करो कि उसको हलचल में रहेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा। सर एक मछली का, एक जीरे का मान लिया जाए, एक मछली तैयार होने में कितना खर्चा आ जाता लगभग? सर सुना है मैंने कभी ऐसे कि जो औरों से सुना, जो पहले से इससे पहले से करते आ रहे हैं, कि मछली अपने वेट का 7% तक खाती है। सर क्या फीड भी किसी निश्चित मात्रा में डालना होता है? सुना है कि काफ़ी ज़्यादा अगर खा लें तो मर जाती हैं। मर जाती हैं, ज़्यादा मात्रा में खा लेती हैं तो ये डल हो जाती हैं, डल होंगी चलेंगी नहीं तो एक तरह स्थिर हो जाएंगी, तो इसलिए इन्हें मात्रा में देना पड़ता है, जिससे अगर फिर ज़्यादा खा भी लिया तो आपको इसमें हलचल करानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, तो इनको या तो आप किसी भी तरीके से हलचल करा सकते हैं, मैं तो डक भी डाली हुई है, हो सकता है डक भी जाके बढ़ जाती है पानी में, उनसे भी हलचल हो जाती है, सुबह सुबह बच्चे नहा लेते हैं, वरना और भी बहुत ऑप्शन है, बाकी पानी चल रहा है उससे हलचल हो जाती है। आपने अच्छी बात डक की याद दिलाई। कुछ लोग मछली पालन के साथ साथ ये करते हैं, इसका क्या महत्व है इसमें? सर इसका 2 महत्व है सर, एक तो इसका आप यहाँ पर रखते हैं, मैं एक बता दूँ, ये रात के लिए फ्री का चौकीदार है जी। ऊपरी आदमी कोई भी आएगा, अनजान आदमी कोई भी आएगा तो सबसे पहले इनको ये परेशान हो जाएंगी और उसके पीछे भगे या शोर मचाएंगी जी, तो रात को बंदा सो भी रहा तो भी जग जाएगा। और दूसरे पानी में जाती है तो मछली इनसे डर के भागती है, डरेंगी भगेंगी तो खाएंगी तो मोटी होंगी। अच्छा, मतलब बत्तखों से डर जाती है मछली? आप कोई भी इसमें बढ़ेगा, हलचल करेगा, पैरों से डर के भगती है इनसे, जैसे डर के भगेंगी तो उनको जायज वादा कसरत करेंगी जी, कसरत तो करानी जरूरी है ना, तो कसरत करेंगे तो वो बढ़ेंगी, मतलब जितनी कसरत करेंगी उतना ज़्यादा खाएंगे, उतना ज़्यादा बढ़ेंगी जी सर, खाएंगे तो बढ़ेंगी। अच्छा, ये बेचने लायक कितने दिनों में हो जाती है तैयार? हाँ, देखिए बेचने लायक हमारा, जैसे हमारा रोहू का बच्चा पड़ा हुआ है यहाँ पे, रोहू का बच्चा हमारा हो रहा है 3 से 5 इंच का हो रहा है, तो पलटी के लिए हमारा तैयार है, हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। अभी क्या आप केवल रोहू पाल रखे हैं या और भी प्रजाति हैं? रोहू, गोल्डन, ग्लासकार और ब्रिगेड, ये 4 ब्रीड हमने डाली हुई हैं जी। सर ज़्यादा रोहू है? चारों ब्रीड आपने आसपास से ली हैं या कुछ कलकत्ता से भी मंगाई हैं? नहीं, कलकत्ता से नहीं मंगाई हैं, क्योंकि कलकत्ता का ऑप्शन हमारे पास आ चुका है जी। इस मछली में ना सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है, अगर जानकर से नहीं लेंगे ना कहीं से भी, इस बच्चे में सबसे ज़्यादा इसमें धोखाधड़ी होती है, बच्चा बताते कुछ है देते कुछ है जी। फिर कुछ बच्चे का रेट हाई फाई होता है तो वो बता करके वो लो ब्रीड देख देते हैं जी सर, ये बड़ा दिक्कत है इसमें। सर जैसे मछलियाँ तैयार हो गई तो उसके बाद बेचने में इनके कोई परेशानी आती है क्या? बेचने वाले खुद आपके से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं या फिर आपको जाना पड़ेगा? देखिए सर, बेचने वाले जो खरीदने वाले होते हैं पहले तो 90% तो खुद ही आ जाते हैं जी, नहीं भी आते तो आपके पास ऑप्शन खुला है, गाजीपुर मंडी लगती है जी, और अपने एक जिले में भी शायद इधर ताजपुर या कहीं भी मंडी लगती है, गंज मंडी लगती है, आप खुद भी ले जा सकते हैं पकड़वा के, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो खुद ही आ जाते हैं। सर जैसे जीरा पालते हैं तो उसके बाद कोई वैक्सीनेशन करने की भी ज़रूरत होती है या किसी मल्टीविटामिन देने की भी? मल्टीविटामिन दे सकते हैं इसमें, जैसे अभी पानी में कुछ दिक्कतें आती हैं तो इसमें क्या है, जैसे अब प्रॉब्लम आती है कि पानी ज़्यादा गंदा हो गया जी, क्योंकि पानी रुका हुआ है काफ़ी दिन गंदा चलेगा, तो उसमें जो इसका फीड है पानी आप कई एक बर्तन में रखे तो भी गंदा हो जाता है। बिल्कुल, इसमें टॉक्सी मार करके आता है तो वो लगा देते हैं, और इसमें एक B5 करके इनका टॉनिक आता है, पानी भी शुद्धिकरण भी करता है, प्राकृतिक खाना भी बनाता है, वो लगा देते हैं तो लगा सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन है बाज़ार में, अब तो पहले नहीं थे लेकिन अब तो ज़्यादा आ गए, बीरबैग कंपनी के हैं आप लगा सकते हैं नेट पर जाके। और सर जैसे कुछ मछलियाँ मरने लगती हैं तो उसका उपचार कैसे करते हैं? क्या पूरे तालाब को गंदा कर सकती हैं, वो पूरे तालाब को इफेक्ट कर सकती हैं? ज़्यादा मात्रा में अगर मछली मरती हैं तो आपको हैंड ड्रोन को निकालना पड़ेगा, जैसे मछली अभी तो हमारे में ऐसा ऑप्शन आया नहीं है जी, लेकिन मैंने एक दो जगह ऑप्शन देखा तो उनको हाथों हाथ निकालना पड़ेगा, जो मछली मर गई है वो दूसरे भी को भी मार सकती है। बिल्कुल, उनकी तो उसको निकालने के बाद उसको हाथों वैक्सीन करना पड़ेगा, और मछली ज़्यादातर मरती हैं तो ऑक्सीजन की कमी से मरती हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन नहीं है या फिर जैसे अभी और तालाब होते हैं जैसे गांव वाले के होते हैं, चलो हमारे में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे में गंदा पानी भी नहीं है, हमारे तो डेली पानी चलता है, फ्रेश पानी आता है,
तो उसमें ऑक्सीजन की कमी से या फिर गैस बन जाता है गांव से, जो बारिश बारिश का पानी, कच्चा पानी, कच्चा पक्का पानी बोलते हैं उसको, तो उससे गैस बन जाता है। सर जैसे देखा है एक्वेरियम में पंप लगाते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो क्या तालाब में भी ऑक्सीजन के लिए कुछ चीज़ें लगाते हैं आप? नहीं, लगा सकते हैं, लेकिन हमारा ऑक्सीजन के लिए हमने क्या पाइपलाइन ऊपर से पानी डलवा रखा है जी। ये ऑक्सीजन का ही काम करता है। अच्छा, ऊपर से गिरेगा, ऊपर से पानी गिरेगा तो इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहेगा, और पानी हम नीचे से ही छोड़ेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे पाइप से डायरेक्ट, तो वो ऑक्सीजन इतनी नहीं दे पाएगा। ये पानी पूरा दिन, देखो वहाँ पानी चल रहा है तो पूरे पानी में हल चल है, बिल्कुल ये ऑक्सीजन ही बन रहा है। ऊपर से गिरेगा तो वो बबल बनाएगा। हमने क्या रखा है, हमने एक पाइप ले रखा है डायरेक्ट उधर पाइप से, कभी कभी हमने अभी फुहारा उधर लगा हुआ है छोटा है, वो हम इसमें फुहारा बना देते हैं जी। कभी कभी फुहारा, इसमें फुहारा बना सकते हैं, जैसे वहाँ से पानी निकल रहा है, पानी सीधा पाइप लाइन यहाँ से वहाँ तक लें तो उसमें छेद 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 करके पानी पाए, तो वो भी ऑक्सीजन काम कर सकता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी है। हाँ, तो इसमें क्या है सर, ज़्यादा कॉस्टली किसी को करना नहीं है। हमने जाके देखा कि वो लगाते हैं अंदर पंप, पंखड़े में लगाते हैं, ज़्यादा कॉस्टली करके क्या करना है, कम बजट में ज़्यादा प्रॉफिट लेने वाली बात होनी चाहिए ना, तो उसमें सीधा पाइप लगाएं, छेजे करके दूसरे छोरे पे छोड़ दें, तो खुद ही बुलबुले ऑक्सीजन अपना आप तैयार कर देगा। सर आजकल मत्स्य पालन में एक और टर्म यूज होती है बायोफ्लास्क, में भी लोग वहाँ मछली पालन करते हैं, उसमें और ये साधारण विधि में क्या अंतर है? सर बायोफ्लास्क में ज़्यादा बोलते ना बजट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बायोफ्लास्क टोटल पक्का बनता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट, लाइट, हर 24 घंटे और फिल्टर वगैरह सब कुछ लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, एक दिन लाइट नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, कल 12 चल जाएगा। बिल्कुल, पानी तो मेंटेन है, पानी भी इतना है, और 1% आज इसमें कोई हमारे लेबर भी नहीं है दाना डालने, तो कोई बात नहीं, कोई भी डाल सकता है, उसमें क्या मेन ट्रेन ही आदमी चाहिए। और क्या इसमें सर कोई टेम्परेचर का भी रोल होता है? हाँ, टेम्परेचर का होता है सर, इसमें जो पानी सतह, जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है तो उसमें क्या सर ऊपर का आधा फीट एक फीट पानी गर्म हो जाता है जी। तो उसके लिए क्या, अगर पानी नहीं चलाओ या फिर इसका पानी ओवरफ्लो हो तो दूसरे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफर की जरूरत इसलिए क्योंकि टोटल पानी चला ठंडा पानी हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, तो इसलिए ठंडा पानी रखना है। सर लास्ट क्वेश्चन एक और है कि मछली पालन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, क्या जाड़ों में पालनी चाहिए, गर्मियों में या बरसात में? नहीं, सबसे अच्छा मौसम तो बरसात का होता है, लेकिन बरसात में डायरेक्ट हर साल ही जाड़े आते हैं, हर साल ही गर्मी आती है और हर साल ही जो है जाड़े आते हैं। बिल्कुल, तो सबसे बढ़िया मौसम शुरुआत करने के लिए फरवरी है। फरवरी सर को शुरुआत करनी है, फरवरी में आपने बच्चा डालेंगे तो पूरा साल मिलता है, फरवरी टू दिसंबर, नवंबर तक, दिसंबर और जनवरी में मछली बहुत कम ग्रोथ करती है, वो खाली अपना जीवन यापन करती है, ग्रोथ नहीं करती है। बिल्कुल सर, ठीक है, ठंड ज़्यादा पड़ती है उस टाइम पर, तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती। सर अगर कोई नया व्यक्ति, नया किसान अगर मछली पालन स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे, कैसे वो तैयार करे अपने खेत वगैरह को, और क्या फीड दे, और इसकी क्या ड्रॉबैक हो सकती हैं? सर नया किसान को सबसे पहले तो जाके मत्स्य विभाग में संपर्क करें जी, हो सकता है उसको वहाँ से कुछ सहायता मिल जाए, और जानकारी भी हमसे ज़्यादा वहाँ से उनको मत्स्य विभाग से मिलेगी जी। और काफ़ी अगर भी हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो भाई हम भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, यहाँ भी बात कर सकते हैं और हम जो जानकारी आती है, लेकिन इसमें किसी के कहने से भी, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं घर से ताज़ा गोबर ला के इसमें डालते हैं जी, इस मछली में, क्योंकि ये हमारी इंडियन IMC बोलते हैं इनको, तो IMC मछली में ताज़ा गोबर डालने की ज़रूरत नहीं होती, खाली इसमें डालना है तो खाली सड़ा गला गोबर डालते हैं, उसके जो कीड़े उसमें पैदा होते हैं उसको ये खाती हैं, गोबर ज़्यादा नहीं पकड़ती हैं जी। और एक मछली आती है जो कड़ी मछली बोलते हैं, पंगास मछली, वो खाली फीड पे पलती है, उसके लिए तो ये सब जरूरत भी नहीं है, वो खाली कंपनी का फीड आता है, फीड पे पलती है। सर आपने मत्स्य पालन विभाग की बात करी, तो क्या वो ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं? सर वो जानकारी जो आपको चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ साइड में सर पंतनगर में जो विश्वविद्यालय है जी, भेज ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन मत्स्य विभाग से आपको काफ़ी सी जानकारी मिल जाएगी, फीड की जानकारी मिल जाएगी, सीड की जानकारी मिल जाएगी, कैसे तैयार करना है वे खुद आके बता देंगे, और हो सकता है गवर्नमेंट की अब तो सब्सिडी चल रही है, वो चले प्रधानमंत्री मत्स्य संविदा योजना, उसके थ्रू भी ऑनलाइन करा के कुछ प्रोत्साहन राशि उसको किसान को मिल सकती है। सर अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो उसके लिए अपना एड्रेस बता दीजिए एक बार, कि आपसे वो जानकारी ले सके। सर हमारा एड्रेस यहाँ पे, हमारा ब्लॉक पड़ता है हल्दौर ब्लॉक, ग्राम शेरपुर कल्याण जी, ठीक है, और नूरपुर बिजनौर हाईवे से पड़ता है, बीच में बालकिशनपुर चौराहे के पास से, और थाना हमारा हल्दौर पड़ता है, ये एड्रेस है, और मोबाइल नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ इस पे स्क्रीन पे, 9634295017। किसी भाई को अगर बच्चा भी चाहिए तो बच्चा भी दे देते हैं यहाँ से, प्रोवाइड कराते हैं, और किसी को बाहर से भी चाहिए तो बाहर से मंगा देते हैं। किसान भाई, नए किसान इसमें एक चीज़ और शुरू कर सकते हैं, किसान पोल्ट्री फार्म और शुरू कर सकते हैं, तो मैंने भी थोड़ा डाला हुआ है उधर शुरुआत में, वो देसी फीड के मैंने WFG के बच्चे डाले हुए हैं। क्या इसके साथ पोल्ट्री फार्म करने का कोई विशेष फायदा होगा? फायदा ये है, जो इसका बिट्सा होता है, बिट्सा मतलब जो बीट होता है, वो हम इसको स्टोर करके इसमें डालते हैं तो फीड की भी बहुत अच्छी
कम मात्रा में जरूरत पड़ती है जी, मतलब जो लेयर पोलिट्री फॉर्म में जो हाँ, कॉक्स जो बीट करेंगे वो ये खा सकती हैं, ये खा सकती हैं, खाती हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगी, क्योंकि वे जो खाती हैं वे एक अच्छा पोषण आहार खाते हैं बिल्कुल, और वही उनको विष्ठा में आगे निकलता है, तो वो उसको डालेंगे तो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा बच्चा जी। जी बहुत अच्छी जानकारी दी विकास जी। जी ठीक है, थैंक यू। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए आइडिया लेकर आते रहते हैं, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।